नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मेरा तीसरा वीडियो जो है आर्टिकल टॉपिक पर यह तीसरा वीडियो है। सबसे पहले हमने आपको पहले ही बताया कि आर्टिकल्स का जो फंक्शन है, आर्टिकल्स का जो यूज है, आप कंसेप्ट के माध्यम से आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैं अभी का वीडियो में बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल दो होते हैं। एक ऐसा आर्टिकल जो डेफिनेट हो, दूसरा जो और दूसरा आर्टिकल इंडेफिनेट। ठीक है, तो मैं अभी बात कर रहा हूं सबसे पहले कुछ यूज का, इंडेफिनेट आर्टिकल का, मीन्स यूज ऑफ ए ऑब्लिक ए एन। ठीक है, यूज ऑफ ए और ए एन, हम डेफिनेट आर्टिकल की बात की क्लास में चर्चा करेंगे। अभी मेरा डिस्कशन होगा इंडेफिनेट आर्टिकल पर। ठीक है, तो यूज ऑफ ए और ए एन, ठीक है, कभी हम अ भी बोलते हैं, कभी अन भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे, पहली बात है किस वर्ड के पहले ए का यूज करें या फिर एन का यूज करें, ए का यूज करें या फिर एन का यूज करें, हमें ये समझना है। तो सबसे पहले समझ के, एन का यूज होगा वावल साउंड के पहले, ऐसे वर्ड जिसका स्टार्टिंग साउंड वावल साउंड से शुरुआत हो, जिसका शुरुआत ही स्वर वर्ण से हो, हिंदी में से स्वर वर्ण, जिसका प्रारंभ, जिसका बिगिनिंग स्वर वर्ण से स्टार्ट हो, उसके पहले हम आर्टिकल ए और ए एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने लिखा ए डबल पी एल ई एप्पल, इसके पहले ब्लैंक्स दिया गया है, तो आपको समझना इस ब्लैंक में, इस ब्लैंक के बाद आए हुए वर्ड, ये हमेशा ध्यान आपको रखना है, जो भी ब्लैंक दिया जाएगा ब्लैंक के जस्ट बाद कौन से वर्ड आए हैं, राइट। तो ब्लैंक के बाद यहां तो एक ही वर्ड है जो है एप्पल, राइट। तो मुझे अब यूज करना, एन का यूज करें, ए एप्पल होगा या फिर एन एप्पल होगा। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कि एन एप्पल होगा, ठीक। लेकिन मैं बात करता हूं क्यों एन एप्पल हुआ। आपका व्यूज, आपका टोटल अटेंशन होगा इस चीज पर कि स्टार्टिंग में ए है सर, नहीं, आपको स्टार्टिंग का लेटर क्या है उस वर्ड का वो देखना नहीं है, देखना नहीं है बल्कि उसे लिखना है, लिखना है। तो लिखना है, इट मीन्स इसको आप हिंदी में लिख लें, ये आपको बहुत ज्यादा सुविधाजनक होगा। अगर आप इसको हिंदी में नहीं लिख पाते हो तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अ ल, ठीक है। इसका साउंड का जो जो सिंबल होता है, राइट, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, होता है एप्पल, एप्पल, राइट। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, उसके लिए लिखना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ऐसे लिख लें, लिखना है, देखना नहीं है। आज से देख करके कि पहला लेटर क्या है उसके अनुसार आप ये और ये एन का यूज करते हैं, ये गलत है, आपको ध्यान रखना है, इसको लिख के देखना है। ए पहला लेटर क्या है, क्या आ गया, पहला अक्षर क्या है, ए। इट मीन्स वॉवल साउंड का ना हिंदी में अगर ऐसा मिल जाए अ आ ई ई उ उ ए ए ओ औ अं, या इस प्रकार का, इसे हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। अगर आपको ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण हो, अ आ ई ई उ उ ए ए ओ औ औ अं, राइट, अगर आपको इस तरह का कोई भी अक्षर दिखाई दे
मीन्स दिखना नहीं है, लिख करके दिखना है। अगर ऐसा कोई भी वर्ड के पहले कोई भी ऐसा अक्षर आए जब हम लिखते हैं हिंदी में, तब तो आपको इस जगह पर एन का ही यूज करना है। आइए इस वर्ड को हम समझते हैं, ए डबल पी एल ई, एप्पल। इसको लिखते हैं ए पल, ये क्या है, फर्स्ट अक्षर क्या मिला, ए मिला, तो इसका मतलब ये स्वर वर्ण है। हिंदी में ये स्वर वर्ण है, इंग्लिश में ये वावल साउंड है, राइट। तो वावल साउंड जहां पर भी आपको नजर आए, हिंदी में वावल साउंड ध्यान देना, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ, राइट। अगर ऐसा कहीं भी आपको लिखने के बाद मिले, देखने के बाद नहीं, लिखने के बाद मिले, तो आप ए एन का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, दूसरी बात, जैसे मुझे बात करना है ए का प्रयोग कहां करते हैं, कंसोनेंट साउंड, लेटर की नहीं बात कर रहा हूं, कंसोनेंट साउंड से पहले अगर ब्लैंक दिया रहेगा तो हम ए का ही यूज करेंगे, अ का ही यूज करते हैं, राइट। जैसे कि हिंदी में व्यंजन वर्ण जो स्टार्ट क ख ग से हो, क ख ग का लाइन हो, च छ हो, ठीक है, ट ठ हो, य र ल हो, य र ल हो, अगर ऐसे अक्षर लिखने के बाद उसके साउंड, उसके उच्चारण करके उस वर्ड को लिखने के बाद अगर क ख ग लाइन वर्ग मिलता हो, क्लास मिलता हो, च का क्लास मिलता हो, ट का, य र ल का, अगर ऐसा क्लास मिलता हो, ऐसा पहला अक्षर मिलता हो, तो आप बेधड़े से आप ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपको मिला बुक, तो आप इसको देख करके नहीं, लिख के लिखिए, क्या है बुक, अक्षर क्या मिल गया, ब, तो ब किस में आता है, अ आ ई यू में तो ब नहीं आता है, ठीक है, ये तो स्वर वर्ण है, इसमें वो क्लियर हो गया, स्वर वर्ण नहीं है, ये क ख ग च च प फ में आएगा, इसलिए इसके साथ अ बुक का यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं वाई ई ए आर, ठीक है, ये क्या वर्ड है, ईयर। अब इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए ईयर या फिर एन ईयर, ठीक है, क्या इसके पहले करेक्ट होगा, सुटेबल क्या लग रहा है, डजंट मैटर, लेकिन करेक्ट क्या होगा, आप इसको लिख के नहीं, आप इसे हम इस तरह लिखते हैं, ई ईयर, ई ईयर, इट मींस य से शुरू हो रहा है, मींस ए कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ईयर, ई से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऐसे वर्ड इस ई से स्टार्ट नहीं हो रहा, ई, ई से नहीं, ई, ई से नहीं हो रहा, ई से हो रहा है, इसका मतलब है एक कंसोनेंट साउंड है, इसके पहले ईयर होगा। तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आपको आ ही गया होगा। मैं फिर बात करता हूं कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आपको कभी कभी कंफ्यूज कर दें, आपको कंफ्यूज होने नहीं है, राइट। जब मैं बात करता हूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो इसके पहले क्या लगेगा, इसे लिख लीजिए अम्ब्रेला, इसका उच्चारण हिंदी में क्या पढ़ते हैं उसको लिख लीजिए, अ का साउंड आया, इट मीन्स ये वॉवल साउंड है, ये स्वर वर्ण है, राइट, ये स्वर वर्ण में आ गया, इसीलिए इसके पहले एन अम्ब्रेला। अगर मैं लिखता हूं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, इसके पहले ब्लैंक दिया रहे तो आप क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखिए तब बात करना है, यूनिफॉर्म इस तरह से लिखाएगा, ठीक है, तो पहला य साउंड आ गया, इसलिए इसके पहले ये यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका पहले लिख लीजिए यूनिवर्सिटी, 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 राइट, पहला साउंड य आ गया, इसके पहले ए का यूज होगा। आप एक कंपेयर ना करें कि पहला वर्ड स्टार्ट लेटर यू था, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, तो ये आप दिख रहा है आपको ना,
आपको दिखना नहीं चाहिए, आपको लिखना होगा। आप इसका साउंड लिखिए, आप इसका हिंदी में साउंड लिखिए, और साउंड जो लिखेंगे उसके अनुसार आप तय कीजिए, इज दिस वॉवल साउंड और इज दिस कंसोनेंट साउंड। मुझे उम्मीद है यहां तक मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जैसे मैं और बात कर लेता हूं, जैसे क्या, वन रुपी नोट, आइए वन रुपी नोट को भी समझते हैं। ये कोई भी स्टार्ट कर देगा, सर ओ से स्टार्ट हो रहा, ये तो वावल लेटर है, बिल्कुल वावल लेटर है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको बालक, मैंने आपको बोला इसको लिखना है। कैसे लिखाएगा, वन व डब्लू मीन्स वीन्स डब्लू, ये कंसोनेंट साउंड में आ गया, इसलिए हम ये वन रुपी नोट, ये वन आइट मैन। ओके, अब मैं बात करता हूं यहां पर ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई। तो अब ध्यान दीजिए, फिर से इसको देख, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी लिखना है, क्योंकि जो नियम है वो सब में अप्लाई होने चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज। तो पहले हिंदी देखिए, ओ आया, ओ आया, ओ, तो ये ओ जो साउंड है ये वावल का है, ये स्वर वर्ण का है, तो इसलिए हम यहां पर एन ऑरेंज का यूज कर रहे हैं। मुझे ये नहीं देखना है यहां स्टार्टिंग ओ से हो रहा है, यहां भी स्टार्टिंग ओ से हो रहा है, नहीं, स्टार्टिंग हो रहा है क्या वो देखना नहीं, उसको लिखना है। जब हम लिखते हैं मुझे क्लियर पता चल जाता है ये ओ का मतलब वावल लेटर है, वावल साउंड है या वावल कंसोनेंट है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, जैसे क्या, जैसे आवर, ठीक, इसको आप सुनिए इसमें क्या लगेगा आपके अनुसार, तो देख के लगाएंगे तो क्या है ना, इसमें ए लगना चाहिए जो कि सुटेबल नहीं है। इसको आप लिखते हैं तो हावर नहीं लिखते, हावर हावर ऐसे नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं आवर आवर। तो स्टार्टिंग क्या है, वावल साउंड से शुरू हो रहा है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण का स्टार्टिंग है, इसलिए यहां पे एन आवर करेक्ट होगा। दूसरी बात मैं कर रहा हूं ऑनेस्ट बॉय, चलिए इसका भी वही फंडा है कि एच एच लग रहा है, ये तो कंसोनेंट लग रहा है, लेकिन आपको लगने से नहीं होगा, आपको लिखने से होगा। तो ये लिखते हैं हम लोग ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय अ से शुरू हुआ है, ये स्वर वर्ण में आता है, इसलिए एन ऑनेस्ट बॉय करेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं और कुछ एब्रीविएशन, जैसे कुछ वर्ड्स आपके पास आएंगे वो आप कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा होगा एम ए, इसमें पहले क्या लिखना है, एम तो एक ऑटोमेटिक कंसोनेंट दिख रहा है, दिख रहा है से नहीं काम चलना है, लिखना है एम ए। इसको एम ए कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही ना लिखेंगे, तो इसका पहला अक्षर क्या मिल रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, ठीक है, स्वर वर्ण आ रहा है, इसका मतलब है एन एम ए होगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं बी ए, ठीक, इसको लिख लीजिए बी ए, स्टार्टिंग अक्षर क्या है, बी ब ब, तो इसे ए बी ए, क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन है, कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, और द रेस्ट जो भी और आपको समझना है, जो भी मुझे और बताना है, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। धन्यवाद।